फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी कंपनी के सीलिंग फैन स्टेटर के अंदर कितनी टच डालेंगे, चाहे वो 12+12 हो, 14+14 हो, या फिर 16+16 हो, या फिर 18+18 हो, चाहे स्टेटर नॉर्मल साइज का हो या फिर मिनी स्टेटर हो, सभी का ओरिजिनल डेटा मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसको हम एक साइड रख देते हैं। तो फ्रेंड, किसी भी मोटर का डेटा निकालने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वोल्टेज, के मोटर कितने वोल्टेज पर चलने वाली है। ठीक है, इस चीज को आपको अच्छे से समझना होगा। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पर वोल्टेज 200 के आसपास आते हैं, 200 वोल्टेज आते हैं, या 200 से 10-15 वोल्टेज कम आते हैं, या 10-15 वोल्टेज ऊपर आते हैं, तब हमें कितनी टंस डालनी होंगी? 5000 टंस। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिए। अगर वोल्टेज 200 के आसपास आते हैं तो हमें 5000 टंस डालनी होंगी सीलिंग फैन के अंदर, किसी भी सीलिंग फैन के अंदर। और अगर वोल्टेज 230 के आसपास आते हैं, 220 या 230, 240 के आसपास आते हैं, तब हमें ये टंस नहीं डालनी होगी। किस तरह से डालेंगे मैं अभी बताऊंगा। अगर वोल्टेज 230 के आसपास आते हैं, यानी वोल्टेज प्रॉपर आते हैं, तब हमें जो है टंस प्लस 5% कर देनी होगी, जिसका आंसर आएगा 5250 टंस। ठीक है, अगर वोल्टेज 200 के आसपास आते हैं तो टंस 5000 डालेंगे, और अगर वोल्टेज 230 के आसपास आते हैं, प्रॉपर वोल्टेज आते हैं, तो फिर हमें 5250 टंस डालनी होंगी एक सर्किट में। एक सर्किट का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो रनिंग बाइंडिंग की हम बात कर रहे हैं, रनिंग बाइंडिंग में 12+12 के अगर वोल्टेज यहाँ पर, इसकी बात कर रहे हैं हम, 230 प्रॉपर वोल्टेज आते हैं, तो टंस डालनी है हमें 5250 डिवाइडेड बाई 12+12 का है, तो यहाँ पर 12 पोल की संख्या लिख देंगे। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 5250 डिवाइडेड बाई 12 पोल का पंखा है, आंसर आया है 437। तो इसको हम राउंड फिगर में 440 टंस डाल देंगे। किस में डालेंगे? रनिंग बाइंडिंग में। ठीक है, और अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग की 12+12 की ही। तो हमारी टोटल टंस कितनी है? 5250 माइनस कर देंगे 5%, तो आंसर कितना निकल करके आएगा? 5250 माइनस 5%, आंसर आया 4987। राउंड फिगर में इसको हम 5000 कर देते हैं। ठीक है, ये जो है स्टार्टिंग का है, 12+12 का भी है, 14+14 का भी है, 16+16 का भी है, 18+18 का भी है, स्टार्टिंग का वोल्टेज इतने होने चाहिए। ठीक है, और अगर वोल्टेज 200 है तो फिर हम इसको यहाँ पर 5250 की जगह 5000 रख देंगे, और जब स्टार्टिंग का डेटा निकालेंगे तो 5000 में से माइनस 5% कर देंगे। अब हमें स्टार्टिंग में टंस डालनी है 5000। ठीक है, और स्टेटर हमारा 12+12 का, तो आंसर कितना आएगा? 5000 डिवाइडेड बाई 12+12 का स्टेटर है, आंसर आया है 416 टंस। राउंड फिगर में कितनी कर देंगे हम इसको? 420 टंस स्टार्टिंग बाइंडिंग में 12+12 का। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी के स्टेटर का डेटा निकाल लेंगे 14+14 का। मैं आपको 14+14 का निकाल कर दिखा देता हूँ, और 16+16 का भी सेम इसी तरह से निकालेंगे। अगर स्टेटर जो है, रनिंग बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, स्टेटर अगर 14+14 का है, MM से कोई मतलब नहीं, MM कितने भी MM का हो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसकी जो हम बाइंडिंग करेंगे, इसको हम 36 नंबर के कॉपर वायर से बाइंडिंग करेंगे, स्टार्टिंग को भी और रनिंग को भी। ठीक है, दोनों को, स्टार्टिंग रनिंग को, दोनों को 36 नंबर के कॉपर वायर से बाइंडिंग करेंगे। अगर स्टेटर की कोर का साइज, इस साइज का स्टेटर, ये स्टेटर 14 mm का, अगर स्टेटर 12 mm, 14 mm, या 10 mm, 16 mm का है, तब हम उसको 36 नंबर के कॉपर वायर से ही रिबाइंडिंग करेंगे। अगर स्टेटर का कोर का साइज थोड़ा ज़्यादा है, 18 mm है, 20 mm है, तब हम 36 नंबर की जगह 35 नंबर का कॉपर वायर यूज़ कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं 14+14 का, तो 14+14 में हमारा टंस सेम रहेंगी, 5250 डिवाइडेड बाई स्टेटर है 14+14 का, आंसर क्या आएगा? 5250 डिवाइडेड बाई 14+14 का स्टेटर है, आंसर आया है 375 टंस डाल सकते हैं। आप चाहें तो 380 कर सकते हैं, लेकिन 375 करेक्ट टन है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी हम 36 नंबर के कॉपर वायर से बनाएंगे। अब निकालते हैं हम स्टार्टिंग बाइंडिंग का 14+14 का ही। ठीक है, तो 14+14 में स्टार्टिंग में कितना टंस डालेंगे? हमने क्या टंस निकाली थी? इसका जो माइनस 5% कर दिया था, तो 5000 टंस आई थी। स्टार्टिंग का निकाल रहे हैं, स्टार्टिंग में 5000 टंस हैं, और स्टेटर 14+14 का ही है, तो आंसर कितना आएगा? 5000 डिवाइडेड बाई 14+14 का है, आंसर आया 357
57। तो इसके अंदर हम राउंड फिगर में 360 टन्स डाल सकते हैं, ठीक है, और इसको हम 380 कर देंगे, और इसको भी हम 36 नंबर के कॉपर वायर से बनाएंगे। इसी तरह से आप 16 प्लस 16 का निकाल सकते हैं, 18 प्लस 18 का निकाल देंगे। सेम आपको ये चीज़ याद रखनी होगी दोनों, अगर वोल्टेज 200 हैं तो 5000 टन्स डालनी होंगी रनिंग में, और स्टार्टिंग में -5% कर देंगे। अगर वोल्टेज 230 के आसपास है, 240 है, 220 है, तब हमें 5250 टन डालनी होंगी एक सर्किट में, और ये रनिंग का हो जाएगा। और स्टार्टिंग में हम -5% कर देंगे तो 5000 आ रहा है, तो 5000 को डिवाइडेड कर देंगे जितने पोल का पंखा है। इस हिसाब से आप 14 प्लस 14, 12 प्लस 12, 16 प्लस 16, 18 प्लस 18, किसी भी स्टेटर का, किसी भी कंपनी का डेटा निकाल सकते हैं और उसके अंदर टंस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर जो कैपेसिटर लगेगा कंडेंसर, वो आप 2.5 MFD का लगा सकते हैं, और अगर आपको स्पीड कम लगे, लेकिन इससे स्पीड आ जाएगी, और अगर आपको स्पीड कम लगे तो फिर आप जो है 3.5 MFD का 3.15 MFD का कैपेसिटर लगा देंगे। मैं हमेशा सभी सीलिंग फैन के अंदर 3.15 MFD का कैपेसिटर ही लगाता हूँ। मैं यहाँ पर आपको 16 प्लस 16 का डेटा ही बता देता हूँ नॉर्मली। तो 16 प्लस 16 में रनिंग वाइंडिंग में जो टंस निकल करके आई हैं 330 टंस निकल करके आई हैं, और स्टार्टिंग बाइंडिंग में यहाँ पर 16 प्लस 16 की बात हो रही है, एमएम से कोई मतलब नहीं, एमएम कितना भी हो। तो 16 प्लस 16 के स्टेटर के स्टार्टिंग बाइंडिंग का जो डेटा निकल करके आया है 310 टन्स निकल करके आई है राउंड फिगर में, ठीक है, 315 कर सकते हैं लेकिन 310 निकल करके आई है राउंड फिगर में, और इसको भी हम 36 नंबर के कॉपर वायर से ही बाइंडिंग करेंगे, ठीक है। ये डेटा हो गया 12 प्लस 12 का, स्टार्टिंग बाइंडिंग में 420 टन्स होंगी और रनिंग बाइंडिंग में 440 टन्स होंगी 12 प्लस 12 में 36 नंबर के कॉपर वायर से। 14 प्लस 14 के स्टेटर में स्टार्टिंग बाइंडिंग में नीचे वाली बाइंडिंग में 360 टन्स होंगी 36 नंबर के कॉपर वायर से, और रनिंग बाइंडिंग में 380 टन्स होंगी 36 नंबर के कॉपर वायर से। और 16 प्लस 16 में स्टार्टिंग बाइंडिंग में 310 टन्स होंगी 36 नंबर के कॉपर वायर से, और रनिंग बाइंडिंग में 330 टन्स होंगी 36 नंबर के कॉपर वायर से। 2.5 MFD का कैपेसिटर लगा सकते हैं, और बढ़िया स्पीड चाहते हैं तो 3.5 MFD का कैपेसिटर लगा देंगे, पंखे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जलेगा नहीं 3.5 MFD से, मैं हमेशा यही लगाता हूं। तो फ्रेंड इस डेटा के हिसाब से आप किसी भी सीलिंग फैन की बाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहें।